आखिर उस सर्दी वाली रात में ऐसा क्या हुआ? मैं काम से घर वापस जा रहा था। कार में शीशे बंद होते हुए भी जाने कहाँ से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं उस सुराख को ढूंढने की कोशिश करने लगा पर नाकामयाब रहा। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं घर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। मैं घर के बाहर कार से आवाज़ देने लगा। बहुत देर हॉर्न भी बजाया, शायद सब सो चुके थे। 10 मिनट बाद खुद ही उतर कर गेट खोला। सर्द रात के सन्नाटे में मेरे जूतों की आवाज़ साफ साफ सुनी जा सकती थी। कार अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगा तभी मैंने देखा एक 8-10 साल का लड़का अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा था। वह एक अटपटी चादर ओढ़े हुआ था। उसको देखकर मैंने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सकपका गया। मैंने महंगी जैकेट पहनी हुई थी फिर भी मैं ठंड को कोस रहा था। और बेचारा वो बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़ मेरी कार के नीचे आकर सो गया। कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर मैंने कुत्ते की भगाने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए पीछे का ताला खोलकर घर में घुस गया। सब के सब सो रहे थे, मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उठाई उस लड़के का ख्याल मन में आया। सोचा मैं कितना स्वार्थी हूँ, मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब हैं पर उस बच्चे के पास एक अधफटी चादर भर थी। फिर भी वो बच्चा उस अधफटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांटकर सो रहा था और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को देना गवारा नहीं था। यही सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते सुना, अरे वो चाय वाला सोनू रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद मेरी आंख से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो वो मानव नहीं रहता, दानव बन जाता है और शायद हमसे ज़्यादातर लोग दानव बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। ये भी कोई जीना हुआ? चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने घरों में बेकार पड़े कपड़े ज़रूरतमंदों को देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। कैसी लगी दोस्तों कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।